हेलो प्यारे बच्चों और सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास टेंथ के मैथ टॉपिक चल रहा है आपका वास्तविक संख्याएं। ओके, तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर सवाल से। इसके पहले की क्लास में वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी फार्मूले थे इनको समझाया गया था, यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में समझाया गया था। यस बेटा, ठीक है, आप नहीं आए थे। ओके, और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर से। पहले सवाल हो चुका था, ठीक है। तो पहले सवाल में देखो लिखा हुआ है, सेकंड नंबर में लिखा है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने आपको पहले सवाल में बहुत अच्छे से विधि बताई थी, ठीक है, सेम विधि से इसको भी करना है। तो अच्छा, मोस्टली वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो सेकंड नंबर सवाल करके लाए हैं। सब बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, आपने नहीं किया, सब लोग ने पेज पर, अरे आ गया था ना समझ, सबको आपने नहीं किया होगा, ठीक है। चलो एक बार सेकंड नंबर से फिर से देख लेते हैं। तो देखो आपका लिखा है 240 बराबर और 228, ठीक है। हमने बताया था इनमें जब भी चाहे जितनी संख्या लिखी हो, ठीक है, एच सी एफ करना हो, ये कौन से विषय होगा, भाग विषय होगा, तो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेना है इसको। क्या आरोही क्रम में, तो इसको अगर आरोही क्रम में लिखोगे, किसमें लिखोगे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका 228 आएगा। तो यहाँ पे लिखना बेटा 228 और क्या आएगा आपका 240। अब 228 को, इसको 228 को 240 में भाग कर देना है, तो किससे जाएगा, ये सिंपल सी बात है, दूर से दिख रहा होगा, एक से ही जाएगा। तो यहाँ पे 228 आप लिख देंगे, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है, क्योंकि 0 से 8 जाएंगे हाँ सिल लेंगे, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 का कितना बचा 1, ओके, ये कितना बच गया आपका 12, ओके। अब आगे किससे करेंगे बताइए, 228 को डिवाइड करेंगे, बताया था जब भी शेष बचेगा नेक्स्ट वाले भाज्य को नोट कर लेंगे, ठीक। आगे देखो 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 22 से कम रहे, तो 12 दुना 24 ज्यादा हो जाए, तो 12 एक कम 12, कितना बचा है यहाँ पे 10, 8 तालिया 12 नौया 108, पूरा कट गया, ओके, यानी ये इसका एचसीएफ हो गया, ओके। अब आपको इसके चरण लिख देने, क्या लिख देना बेटा चरण। फर्स्ट में देखो क्या हुआ है, हमने फार्मूला सबको बताया था ना, क्या बताया था, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है आपका एक भाग करने का तरीके से फार्मूला। भाई आपका भाग का जो ये होता है, 5 को 9 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो ये जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, ये रहेगा भाजक, क्या रहेगा बेटा भाजक, ये क्या रहेगा भाज्य रहेगा, ठीक है, और ये क्या रहेगा भागफल रहेगा, भागफल रहेगा, ये क्या रहेगा 4 आपका क्या है शेष फल, ओके शेष और फिर या फल, ओके बताइए कोई डाउट है सर, ठीक। तो वैसे ही क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इसका फार्मूला क्या बनता है बेटा, तो आपको पता होगा भाज्य बराबर होता है, देखो भाज्य बराबर क्या होता है आपका भाजक इंटू भाग फल और प्लस में शेष फल, यही तो होता है फार्मूला, इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें देखेंगे तो ये आपका भाज्य हुआ 240, तो यहाँ पे लिख नंबर में लिखेंगे 240 बराबर 228 गुणे 1 प्लस का 12, ये कब तक चरण लिखते हैं, जब तक शेषफल आपका 0 नहीं हो जाता है, ओके। सेकेंड स्टेप में क्या आएगा बेटा, सेकेंड स्टेप में 228 भाज्य है, 12 भाजक है और 19 भागफल है, प्लस का आपका 0, ठीक है, अतः आपका एचसीएफ, अब आपका आता 0 प्राप्त हो गया, ठीक है, तो आपका आता एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 12, क्या हो जाएगा बेटा 12, ठीक है, ये हो गया सेकेंड नंबर सॉल्व का, तो ओके बेटा आप इसको लिखते हैं आरोही क्रम में, ठीक है, किसमें लिखते हैं इसको आरोही क्रम में, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए, ठीक है, जब आरोही क्रम में लिखेंगे इसको आरोही क्रम में, ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है आपका, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सर कैसे चलता है
78 सो यहाँ पे 78। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है क्या है आपकी, 71, 61, 73, 78 और 926 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आरोही क्रम में, सबसे पहले आरोही क्रम में लिख जरूर लेना, ठीक है, क्योंकि डिवाइड जो होता है छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या को कराते हैं, पता है ना। तो 71 को भाग देंगे 61 से, इसमें 73, 78 में, ठीक है, 73 से 78 कितनी बार में जाएगा, एक नजर देखते हैं, है ना, एक बार में, ओके, क्योंकि जिसको देखते हैं पता चल रहा होगा कि एक ही बार में जाएगा। और माइनस कर देंगे, 8 में से एक जाएगा बेटा, 7 बचेगा, ठीक है, और 7 में से 6 जाएगा आपका, 1 बचेगा, आगे है आपका 3, 3 में से एक जाएगा आपका, कितना बचेगा, 2। जब आपका शेषफल पूर्ण रूप से बच जाता है तो अगली संख्या जिससे हमने क्या करते हैं, भाजक, भाजक वाले को फिर से नोट कर लेते हैं, वो क्या है आपका 7161, 7161 है, ठीक है। अब एक कितनी बार में जाएगा, देखो ये समसा मतलब देखो बैलेंसिंग, सबसे पहले यहाँ पे देखो भाग कराना कैसे, यहाँ पे 3 संख्या है, यहाँ पे कितनी संख्या है, 4, पर लेंगे कितनी, 3, और 3 लेते हैं, माइंड में एक चीज याद रखना, ये संख्या कहीं छोटी तो नहीं पड़ रही है, क्यों, क्योंकि हम बड़ी ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 217, यहाँ पे हमने 3 जब लिया तो कितना हो गया 716, यानी हम 3 संख्या यहाँ पर ले सकते हैं। अब ट्राई करते हैं किससे जाएगा, तो 217 का पाना तो आता नहीं, किसी को आता है, अगर आता हो तो बता दो, नहीं आता होगा ना, 20, 25, 30 तक बहुत पाने आते होंगे सबको, 21 ऊपर शायद, तो कोई जरूरत भी नहीं है याद करने की, ओके। आप देखो यहाँ पे आते हैं इसका, अगर आते हो तो 37 का पाड़ा सुनो, हाँ 40 तक आते हो, आप देखो यहाँ पे 3, तो 7 को बैलेंस कराएंगे 6 में पहले, 1 को बैलेंस कराएंगे 1 में, अब बचा यहाँ पर क्या बचा आपका बेटा, 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा 7, 2 का ऐसा पहाड़ा करो कि 7 से कम हो, 2, 3, 6 यानी 3 बार में, तुरंत बस 3 बार में ही करा दे, समझ में आया ये बात या नहीं आई, यानी आपको 217 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, यहाँ पर ओनली 2 का ही पहाड़ा पढ़ना अगर बैलेंसिंग करा के करोगे, ठीक। अब 3 से 3, 7, 21 हासिल आया 2, ठीक है, 3 एकम 3, 3 2 5 और 3 2 6। आप देखो माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा आपका, 5 बचेगा, 1 में से 5 जाएगा नहीं, तुम तुरंत बगल वाले से उधार मांग लेंगे, 11 हो जाएगा, और 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ से ले लिया तो 6 बचा ना उसके पास, बेचारा नीचे उतर खत्म। अब आगे क्या करेंगे, 1 को उतार लेंगे, बचा है ना 1, अब फिर से देखो कितना बार जाएगा, 651 3 बार में आया था, तो यहाँ तो सोचना ही नहीं है, सीधे यहाँ 3 लिखो, यहाँ 651 लिखो, काम खत्म, लिखा खत्म, आया समझ में, कितने से काम खत्म हुआ है, 217 से, ओके, फिर से 217 जिससे काम खत्म हुआ ना, देखो 217 को बची कौन सी संख्या है, ये वाली, बस इस वाले को नोट कर लो, क्या हो जाएगा आपका 92690। कितनी बार में जाएगा ये, 3 संख्या लेंगे सबसे पहले, 1, 2, 3, आप पढ़ो बताओ ये किससे जाएगा, बताइए जल्दी से किससे जाएगा, है 4 से, हाँ 4 से, पता चल गया ना, बैलेंसिंग कराई भैया, आप 7 का 6 में, 1 का 2 में, अब 2 का मैटर किससे बन रहा है, 9 से, 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 9 से कम रहे, तो 2 चक्कू 8, 4 बार में जाएगा, आप यहाँ 4 लिखेंगे और 4 7 28 यहाँ लिखेंगे, 4 एकम 4, 4 इसका 2 हासिल 6 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 4 दूना 8, ओके, माइनस कर देंगे, 6 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, आगे बचा 1, 1 में से 6 जाएगा नहीं, 5 से फिर लेंगे 11, 11 में से आपका 6 जाएगा कितना बचेगा, 5, ओके, आगे कितना नोट करना है, कितना नोट करना है, ओके, अब फिर देखो यहाँ पे क्या करना है, 7, 9 से बैलेंस 1, इससे बैलेंस 2, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, क्या आना चाहिए, 5 से कम आना चाहिए, तो 2 दूनी 4, देखो 217 का पहाड़ा पढ़ना पड़ रहा नहीं पढ़ रहा है ना, सिर्फ पहली संख्या का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 7 14 हासिल आया 1, ठीक है, 2 एकम 2, 2 1 3 और 2 दूनी 4, लो काम खत्म, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे, 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, अब क्या करेंगे, 0 नोट करेंगे ये वाला। अब देखो, अब यहाँ पे देखो फिर से
फिर बैलेंसिंग करना है, सात को इसमें बैलेंस कर दो, एक को इसमें बैलेंस कर दो। अब दो का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 15 से कम आया तो उतना है 2 × 7 = 14 ना, तो यहाँ पे 7 लिखो बस गुणा करा दो, ठीक है। तो 7 × 7 = 49, ठीक है। और 7 × 7 = 7, 7 × 4 = 11, ओके, क्योंकि ठीक है। और 7 × 2 = 14, हाथ कितना आया था 1, 15 आ गया, आ गया ठीक है। 10 में से 1 गया कितना, 9 गया कितना बचा आपका 1, आगे बचा 4 में से 1 गया कितना बचा, यहाँ पे कोई संख्या बची है नहीं, शेष पर कितना बचा है 31। जब शेष पर बच गया तो क्या करेंगे, 217 को नोट कर लेंगे, 217 को नोट कर लेंगे। चलो आप बताओ ये कितनी बार में जाएगा बैलेंसिंग, तुरंत 3 संख्या है 2 संख्या है 7 दो लेंगे 7 से जाएगा, वेरी गुड। देखो कैसे जाएगा, 31 ले लेंगे 21 हो जाएगा, क्या 2 संख्या लेते हैं, अगर आप 31 से यहाँ पे 21 लोगे तो अगली संख्या 2 ही तो है, 2 अगर लेते हैं तो क्या कर जाएगा 21 में जी ज्यादा जाएगा 217। अब बैलेंसिंग कराओगे ये हो जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 21, तो 3 × 7 = 21, सिंपल सी बात है। 7 बार में आप ये सब 217 लिख देंगे, ठीक है, ये पूरा कर जाएगा। HCF क्या आ गया आपका 31, इसके चरण चरण लिख देते हैं, चरण ठीक है। जैसे चरण, फर्स्ट चरण में जो क्या हुआ है, फर्स्ट चरण में आपका जो 7 × 7 = 7778 था, ठीक है, इसको जब 71 61 गुड़े में कितना आया 2 1 गुड़े में 1 जोड़ने पर 217, पहला चरण ये बनेगा। सेकंड देखो चरण क्या बनेगा, सेकंड चरण में आपका रहेगा 71 61 ये वाला 71 61 गुड़ा इससे, हमने ये फार्मूला जो बताया अभी जस्ट वही वाला अपना हो रहा है, यहाँ पे कितना है आपका 217 और गुड़े 33 और जोड़ने पर देखो यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एक और संख्या दी है, अगर ये ना दिया होता तो हमारा यही पर ये वाला हो जाता, कहाँ गया ये वाला 217 हो जाता, पर दिए है क्या, दिए है ये। तो अब तीसरे चरण में क्या हुआ आपका, तीसरे चरण में आपका 92690 जो दिया है उसका किससे हो रहा 217 गुणे 427 करने पर आपका आया 31, शेषफल कितना बच रहा है 31 यानी 31 बच रहा है। आप देखो क्या होगा चौथे चरण में, देखो क्या होगा चौथे चरण में आपका 217 है बराबर में, ठीक है, गुणा किससे हो रहा है 31 गुणे 7 आया आपका बराबर प्लस में 0, अतः HCF क्या हो जाएगा आपका, अतः HCF क्या हो जाएगा, अतः HCF आपका हो जाएगा 30, ठीक, ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का, ठीक है। बताइए इस सवाल में कोई डाउट किसी बच्चे को या किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ओके तो नोट कर लीजिए। और बेटा आज आप लेट कितना है बताइए, घड़ी पीछे हुई घर की घड़ी, अच्छा मतलब ये सो गए क्या, नहीं फिर अगर टाइमिंग से नहीं उठोगे, इतनी मॉर्निंग की कोचिंग भी नहीं है तो कैसे काम चलेगा, कितने बजे मॉर्निंग में उठती हो, सुबह 4 बजे उठती हो, आज 5 बजे उठी, कोशिश करिएगा लेट कल से मत होइएगा, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसे, ओके बेटा जी देखते हैं सवाल नंबर अब आपका 7, ठीक है। तो 7 के पहले जो आपका चौथा नंबर है और पांचवा नंबर है और छठा नंबर, ये आपके क्या है होमवर्क है, सब बच्चे होमवर्क लिख के लाएंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर के जो पहले वाले सवाल थे इससे पहले जो पढ़ाए हैं उन सवालों के सेम है, ठीक है, तो आप लोग करके लाएंगे, अगर नहीं आते तो आपको कल बताएंगे, ठीक है। बाकी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे फिर उनको आगे अगली क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कौन सा नंबर, 7 नंबर, देखो 7 नंबर में लिखा हुआ है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, सबसे पहले क्या समझे इसको, धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए, यानी जो आपका ये लिखा है 6 × 1 6 × 3 6 × 5 जो बोर्ड पे लिखा है ये आपको लाना है, दर्शाना है कि कैसे आ रहा है, ओके। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि रूप होता है जहां क्यों कोई पूर्णांक है, क्या कहा है जहां क्यों कोई पूर्णांक है,
तो सबसे पहले देखो होता क्या है। देखो पहले हमने आपको एक चीज बताई थी बेटा, क्या बताई थी, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इनटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ये था आपका फार्मूला। कैसे था फार्मूला आपको पता है, जब जैसे छह को हम इधर जैसे छह को इसमें अगर हम डिवाइड कराते हैं, छह को अगर दस में भाग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने दे दिया छह दूना बारह जाता जाएगा, तो छह कम छह दिया चार बचेगा, तो ये हमारा क्या होता है, भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, ये होता है। तो ओके, अब देखो जैसे कि हमने मान लिया भाज्य हमारा ए है, ठीक है, अगर भाज्य को मान लो कि बी है, ओके, और ये भागफल को क्या मान लिया क्यू है, शेषफल को मान लिया आर है। ये फार्मूला आप रख सकते हो, अगर हिंदी में डायरेक्ट आप रख सकते हो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस का आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं जो आर होता है, सबसे पहले आर थोड़ा अगर और सॉल्व करना चाहो तो बी की जगह देखो आपका क्या है, बी देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है क्यों एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिख दो पहले क्यों एक पूर्णांक है, ठीक है, क्यों एक एक आपका क्या है पूर्णांक है, और जो आपका बी है वो किसके बराबर है, सी के, यही तो है बी जो होगा यही तो है आपका, तो वो किसके बराबर होगा सिक्स के, ठीक है सिक्स के, ओके। अब देखो यहाँ पे आगे क्या करना है, अब यहाँ पे जो R होगा तो ये बन क्या जाएगा, तो A बराबर 6 B की जगह और Q प्लस का R, ये बन जाएगा, बनेगा ये। अब देखो अच्छा ये R क्या है आपका, शेषफल। अगर यहाँ पे हम भाग देते हैं, अगर यहाँ पर हम भाग देते हैं छह को किसी भी संख्या में भाग दो, छह से किसी में दो, चाहे बारह में दो, पंद्रह में दो, अठारह में दो, उन्नीस में दो, लेकिन पांच में तो दे नहीं सकते हो, किसी में अगर देते हैं तो अच्छा बताओ दे सकते हैं पांच में भी पॉइंट लगा के, वो बात अलग है, लेकिन अभी बताओ आप यहाँ पर शेषफल क्या क्या बचेगा बताओ, जीरो बच सकता है, जीरो बचेगा, और क्या बच सकता है, एक बच सकता है, दो बच सकता है, तीन बच सकता है, चार बच सकता है और पांच बच सकता है, क्या शेषफल छह भी आ सकता है, नहीं आ सकता, तो छह से भाग करोगे तो किसी भी संख्या में भाग करोगे छह शेषफल कभी आता है नहीं, शेष फल हमेशा आपका यानी भाजक, ये क्या है छे, छे क्या है बेटा आपका भाजक, क्या है भाजक, यानी शेष फल हमेशा जो होता है वो भाजक से कम रहता है, माइंड में इसको डाल लीजिएगा, ये तो डाल लिया हुआ है पहले भी पढ़ाया था, ओके। तो यहाँ पे जो आर है, आर एक जगह पर क्या क्या कौन कौन मान सकते, जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे जो आर होगा, देखो जो आर होगा, आर जो होगा, आर का मान जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, यानी आर का मान जीरो के बराबर भी हो सकता है, नहीं जीरो आ सकता है या बड़ा आ सकता है, बड़ा सकता है ना, बड़ा कितना आ सकता है, एक दो तीन चार पांच तक बढ़ा सकता है, तो बड़ा क्या किससे बढ़ा सकता है, भाजक से, ठीक है, भाजक से मतलब छोटा आ सकता है, ये तो भाजक क्या है आपका b, यानी इस समय क्या है 6, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6, r का मतलब कहने 6 से r का मान छोटा होगा, ओके ये तो भाई छोटा होगा नहीं, 6 से r का मान छोटा होगा, ठीक। अब देखो तो जहां पर यहाँ पे और लिख दीजिएगा, जहां जो r होगा वो कितना होगा, r के मान क्या क्या होंगे, जीरो हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या रख लेते हैं, जीरो को रख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखिए पहले सिचुएशन में जीरो रखने पर, जीरो रखने पर, तो जीरो रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा ए बराबर, ठीक है जीरो ए बराबर 6 और क्यू प्लस में आर की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a बराबर, ठीक है a बराबर में 6 और 6 से कॉमन क्या ले सकते हैं बताइए, 6 से कॉमन 2 ले सकते हैं, तो 2 इंटू 3 क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका सम हो जाएगा, ओके। अगर हम अब दूसरे सिचुएशन में अगर लेते हैं एक रखने पर, अगर हम एक रखने पर की बात करें तो क्या हो जाएगा a बराबर
सिक्स क्यू प्लस वन, ठीक है। यहाँ से कॉमन देखो आपको माइंड रखना, ये संख्या ये चीज आपको लाना भी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, वन को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, सिक्स क्यू प्लस का वन, ये क्या हो जाएगा आपका, विषम हो जाएगा, यानी पहला वाला आ गया, ठीक है। ओके पहला वाला आ गया, ओके कोई डाउट है आप तक? नहीं। आप देखो यहाँ पर आगे देखो, आप क्या रख सकते हैं अगला थर्ड नंबर में, थर्ड में क्या हो जाएगा बेटा, दो रखने पर ना, दो रखने पर, चलो दो रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा a बराबर में सिक्स क्यू प्लस का दो, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं दो, तो थ्री क्यू और प्लस का वन, ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, सम हो जाएगा। और ये सम वालों से हमें मतलब नहीं कि सवाल में विषम धनात्मक पूर्णांक का है ना, तो विषम ही वाले आंसर आएंगे, लेकिन करते चलना है। ओके थर्ड की भी बात करें तो फोर नंबर की बात करते हैं, तो अब की बार क्या रखेंगे, थ्री रखने पर, तो यहाँ रखते हैं हम थ्री रखने पर, तो क्या हो जाएगा ए बराबर सिक्स क्यू प्लस आर की जगह रख रहे हैं थ्री, तो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, ले सकते हैं, वैसे आप ले सकते हैं तीन या दो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये आपको लाना है, लाना है नहीं लाना है पूर्णांक में, तो यहाँ पर वन को ही सीधे कॉमन ले लो, अगर लेना चाहो तो सिक्स क्यू प्लस थ्री, बाकी ले सकते हैं लेकिन नहीं, क्योंकि हमको लाना ही है विषम पूर्णांक दिखाना है, तो ये हो गया विषम, ठीक है। अगर आप बात करें हम पांच नंबर में, तो क्या रख सकते हैं, चार रखने पर, चार रखने पर, तो चार रख देंगे तो ए प्लस सिक्स क्यू प्लस यहाँ फोर हो जाएगा, क्या कॉमन ले सकते हैं दो, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन दुना छः प्लस दो क्यू, ये क्या हो गया आपका बेटा, सम हो गया, हो गया, ठीक है। आप क्या ले सकते हैं छठे में, पांच रखने पर, अगर रखेंगे कहाँ तक, पांच ही तक रखेंगे ना, क्यों, क्योंकि आपका छह से सर बचेगा नहीं, बचेगा पांच, तो पांच तक चेक करेंगे, ठीक है रखे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस सिक्स क्यू प्लस का पांच, कुछ कॉमन लिया जा सकता है नहीं, तो सिक्स क्यू प्लस वन लिया जा सकता है, हाँ वेरी गुड, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, विषम हो जाएगा। तो आपके जो मान है देखो यहाँ पे, पहला तो आपका सिक्स प्लस वन, एक ये आ गया, ठीक है, एक ये विषम आ गया, ठीक है। और एक देखो विषम विषम वाले मान आपको बताने थे, तो विषम विषम वाले में टिक लगा दो, यही तो विषम आ रहे हैं, बाकी तो सम आ रहे हैं, आपको विषम धनात्मक पूर्णांक बताना था ना, तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है आपके, सिक्स क्यू प्लस का वन, ये वाला, ठीक है। आगे क्या है आपका, सिक्स क्यू प्लस थ्री, और अगला क्या है, सिक्स क्यू प्लस फाइव, ये है आपके धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो बताइए इस सवाल में किसी बच्चे को कोई डाउट किसी भी प्रकार का, बताइए सब बच्चों को समझ में आ गए आपको बेटा, सबको आ गए ना, क्लियर हो गया, तो ओके आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। तो ओके बेटा ये देखते हैं सवाल नंबर अब आपका एट, ठीक है। देखो एट में क्या लिखा हुआ है, देखा हुआ किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे जो है आपको मार्च करना है, यानी जो सदस्य हैं आपके 616 हैं और कितने 32 लोगों के पीछे चलना है, ठीक है। और जो लाइन जो आपको लगानी है वो बराबर हिस्सों में लगानी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हर एक 32 जो आर्मी मैन हैं उनके पीछे कितने सदस्य लग सकते हैं, 32 लाइनों में 216 को डिवाइड बांटना है, तो क्या करेंगे इसका, इसका जो 32 लिखा है 32 से 616 का HCF कर देंगे, HCF में जो आएगा HCF में वही उतने ही लोग 32 लाइन के पीछे लगेंगे, ठीक है। देखो कितना आता है, तो कितनी बार में जाएगा, अगर दो बार में करेंगे तो 62 आ जाएगा, तो एक बार में करेंगे कितना आ जाएगा आप पे, 32 आ जाएगा, सॉरी ओके। अब एक एक में से दो जाएगा कितना बचेगा, 11 में से जाएगा, कोई बात नहीं हाथ से ले लिया था तो 11 हो गया था, 9 बचा, आगे क्या बचा आपका 5, तो 2 बचेगा 6 उतार लेंगे, अब कितनी बार में जाएगा ये, तीन 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 ओवर 24, 3×9=27, 9 बार में बैलेंसिंग पता ना करो ना, ठीक। तो 9×2=18 हासिला 1, 9×3=27, 27×1=28, कितना बचा आपका, यहाँ बचा 4, नहीं यहाँ बचा 8, 8 बचा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बचा, 0 बचा,
ठीक है, और यहाँ पर जीरो बचा। ठीक है, अब आगे क्या बचा आपका, ये 32, ये 32 को नोट कर लेंगे, कितनी बार में जाएगा, चार बार। यहाँ पर आप 32 लिख देंगे, यानी जो इसका HCF आएगा वो कितना जाएगा, 8। तो आपके प्रत्येक लाइन में, ठीक है, 8 लोग लगे होंगे 32 लाइनों में, ठीक है, तब आपके 616 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो ओके बेटा, आप उसे नोट कर लीजिए, देखते हैं क्लास को। ओके बेटा, ये देखते हैं सवाल नंबर अब आपका 9। ठीक है, देखो 9 नंबर में सवाल कहा है एम के लिए, यहाँ पे लिखा है एम के लिए। ठीक है, एम के लिए देखो यहाँ पे पढ़िएगा, पहले पढ़िए कौन सा 9 नंबर सवाल पढ़िएगा, लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मत भूलिएगा। ठीक है, वर्ग भूल के तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर लिखा एम के लिए 3m और 3m+1 आपको बताना है, ठीक है, के रूप में हो सकता है। ओके, तो आपको पता है बेटा जो भाज्य होता है किसके बराबर होता है, भाजक, क्या होता है बेटा, भाजक इंटू में भागफल, और इंटू में क्या होता है आपका, सॉरी प्लस में होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल। मान लिया हमने भाजक ए है, भाज्य ए है, और भाजक आपका क्या है, बी होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए 3 है तो 3 रख सकते हो। ठीक है, भागफल क्यों है, प्लस का आर, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 3q+r आएगा। अच्छा, आर क्या है आपका, आर आपका बेटा शेषफल है। अच्छा, शेषफल अगर यहाँ से 3 आपका भाजक है, 3 भाजक मतलब 3 ऐसे बाकी यहाँ पे कुछ भी है, अगर 3 भाजक है तो यहाँ के शेषफल क्या बचेंगे, 3 से कम बचेंगे, सिंपल सी बात है, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 आ सकता है शेषफल, यहाँ पे नहीं आ सकता, 3 को भाग करोगे 3 शेषफल आएगा ही नहीं। ठीक, तो जो आर होगा यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 हो से 0 के बराबर हो सकता है, या आर का मान जो होगा 0 से बड़ा हो सकता है, तो भाई 0 से बड़े तो हो सकता है, अगर 1 2 आएगा तो 0 से बड़ा होगा ना। अच्छा, अब बड़ा होगा कितना, बड़ा होगा बताइए कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा तो नहीं होगा, कितना बड़ा होगा, भाजक से बड़ा होगा, बस यही तो बात है, भाजक से बड़ा होगा, भाजक क्या है इस समय 3, यानी आपका 3 से बड़ा होगा, बस आर का मान क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, मतलब आर, सॉरी आर का मान क्या होगा, 3 से छोटा होगा, एक बड़ा नहीं छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटा आर की तरफ लगा हुआ है, ओके, बड़ा नहीं छोटा होगा। ओके, अब देखो तो आर के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, अगर भाग कराओगे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये दो हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर पहले नंबर में लिखा 0, अगर 0 रखने पर की बात करें तो देखो रख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q+0, इसको सॉल्व करेंगे तो ए बराबर 3q आएगा। अब इसमें कहा था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग कहा था, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग करने पर, क्या लिख देंगे, वर्ग करने पर, तो ये क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, यहाँ देखिए सब लोग बच्चे, ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3 का करेंगे तो 9q आएगा, और क्यू का स्क्वायर भी होगा, आएगा नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन अगर बाहर ले लें तो क्या बचेगा, 3q² बचेगा। ठीक है, जहां, अच्छा आप हम यहाँ जहां क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको 3m लाना है ना, 3m, अगर ये m के बराबर होगा तो आपका आ जाएगा, तो जहां 3q² बराबर क्या है, m है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, एक बार दूसरे पॉइंट में क्या रखते हैं, वन रखने पर चलो वन रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q+ आर की जगह क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। अब इसका वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर तो वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर फार्मूला, सॉरी ए स्क्वायर बराबर, यहाँ फार्मूला खुलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 3×9q² प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं 1 का स्क्वायर, या एक काम करो पहले लिख लो 2ab, भाई आपका फार्मूला यही तो होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर होता है प्लस का 2ab भी लिख सकते हैं, बाद में भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी तो फार्मूला होता है। ठीक है,
तो आप क्या, या तो वो कोई बात नहीं, जैसे याद है ऐसे याद है क्या सबको फार्मूला, ऐसे याद है? चलो ऐसे लिख देते हैं, प्लस में तीन दुना छः क्यों, ये याद है। अब क्यों वालों को पास में कर लेना है, वैसे पास ना करना पड़ता। नाइन क्यों स्क्वायर प्लस का सिक्स क्यों प्लस का वन। ओके आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, ए स्क्वायर बराबर, ये क्या रहता है ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, तीन कॉमन ले लेंगे ना, कि तीन ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, थ्री क्यों स्क्वायर प्लस टू क्यों एक बचेगा और प्लस का वन। अब आपको यहाँ पर भी जहाँ एम बराबर, जहाँ थ्री क्यों स्क्वायर प्लस का टू क्यों किसके बराबर है, एम के बराबर है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर थ्री एम प्लस का वन। अगर आगे भी करने का मन है तो आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे थर्ड नंबर में क्या लिखा है आपका, दो रखने पर तो आप दो रख देंगे, ठीक है, रखने पर दो रख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर बराबर क्या है आपका थ्री क्यों प्लस क्या हो जाएगा दो हो जाएगा, ठीक है। तो ओके कोई बताइए यहाँ तक, लेकिन अब क्या करना है इसका, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर यहाँ होगा ना, तो तीन तीन नौ क्यू स्क्वायर प्लस दो दुनी चार प्लस दुनी चार, चार तीन बारह क्यों, यही तो होगा। ओके अब क्यू को पास लिख देना, तो ए स्क्वायर बराबर नाइन क्यू स्क्वायर प्लस का बारह क्यू प्लस का चार, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं आप बताइए, ये आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, अब यहाँ पे तीन तो क्यू स्क्वायर थ्री क्यू स्क्वायर, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस फोर, तो फिर यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा, यहाँ इसके आगे जहाँ जहाँ थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू किसके बराबर है, एम के, तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा थ्री एम प्लस फोर, ठीक है। लेकिन हमने आपको भी बताया था बेटा आपको करना यही तक है, ये सवाल जरूरी कि ये करे हो, ठीक है, क्योंकि आपका यही तक आंसर आ रहा है यार। देखो एक आपका ये आ रहा है, ठीक है, एक ये आपका आ रहा है और एक आपका कहाँ गया, एक ये हो गया, ठीक है, तो आप पता लिख दीजिएगा अतः, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जो धन वर्ग होगा वो आपके कौन कौन से होंगे, कौन कौन से होंगे, एक ये होगा एक ये होगा, ठीक है, आप लोग इसे नीचे लिख दीजिए, ठीक है, तो ओके बिट्टा आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं कि कल की क्लास में, ओके, तो सब बच्चे नोट जरूर करते रहेंगे, ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके यूट्यूब पे आ सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है, ओके आज के इतना ही, जय हिंद।